नमस्कार, हम ये दस्तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मीना ठाकुर जिला हमीरपुर से एक बार फिर से इवनिंग बुलेटिन में आपके साथ लाइव जुड़ चुकी हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खबरों के साथ, क्या कुछ जो रहा आज हलचल हमीरपुर में। तो चलिए रुक करते हैं पहली खबर के तरफ। सरला चकमो सड़क मार्ग पर ठेकेदार द्वारा किए गए धीमे कार्य प्रणाली के कारण जो है अब लोक निर्माण विभाग एक्शन मोड पे जो आ गया है। इसमें जो है काफी समय से जो है ठेकेदार को टेंडर दिया गया था, लेकिन जो है अपना कार्य जो है अभी उसने पूरी तरह से जो है कंप्लीट ही जो नहीं किया है। उसको जो ठेकेदार द्वारा इस कार्य को जो है जुलाई 2020 से जून 2021 तक जो था उसका समय अवधि जो थी वो दी गई थी उसको लोक निर्माण विभाग द्वारा, लेकिन जो था वो उन्होंने जो है अपना जो कार्य वो पूरा नहीं किया, जिसके चलते जो है काफी लोगों को जो है मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से। और अब जो है वो ठेकेदार को जो है नोटिस दे दिया गया है कि उनका जो है वो टेंडर भी जो है रद्द किया जा सकता है इसके चलते। लेकिन जो है ठेकेदार का जो है इसमें कोई अभी तक कोई रिएक्शन जो है नहीं आ रहा है, और इसके वजह से जो है लोगों ने भी काफी जो है उंगलियां सरकार के ऊपर जो उठाई हैं कि ये काम जो है जो सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही जो हुआ है अभी तक, और इसकी जो अवधि है वो काफी जो है लंबी खिंच चुकी है अभी तक। और अब ये जो है विभागीय अधिकारी जो है इस बात को लेकर जो है अभी हरकत में आ गए हैं, और संबंधित ठेकेदारों के कारण जो है वो को जो है वो नोटिस दे दिया गया है। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए, हमीरपुर व बिलासपुर जिला के सीमांत क्षेत्र झोर घाट में सरकारी धन से बनी गौशाला में बंधे पशुओं की जो मौत का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। और आज जो है गौशाला में एक और पशु की जो है मौत हुई, जिसके चलते काफी जो सवाल जो है उठ खड़े हुए हैं। इसमें जो है बताया जा रहा है कि जिस पशु की जो मौत हुई है वो पिछले कई दिनों से जो था बीमार था, जिसका इलाज उसी गौशाला में जो किया जा रहा था। और बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत सटवी के झोरघाट में पिछली पंचायत के कार्यकाल में जो लाखों रुपए खर्च कर जो है इस गौशाला का जो निर्माण करवाया गया था, और सरकार ने जो है क्षेत्र के किसानों की फसलों को जो है आवारा पशुओं के से जो बचाने के लिए गौशाला का जो निर्माण किया था, लेकिन इसका जो है कोई भी जो है इसका रिजल्ट सामने नहीं आया है, क्योंकि जो पशु हैं उनकी जो हालत है वो दिन ब दिन जो बदतर वहां पे होती जा रही है। और इसका कारण ये भी माना जा रहा है कि वहां पे सरकार ने करोड़ों रुपए तो लगा दिए हैं, लेकिन उसको चलाने की जो व्यवस्था है उस पे जो है कोई भी नीति और कोई भी जो है एक प्लान जो का जो सेटअप है वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनके खान पान में भी काफी जो तकलीफ है आ रही है, जिसकी वजह से पशु जो है काफी समय से वहां पे जो है मर रहे हैं। अब देखना है ये होगा कि गौशाला तो सरकार ने बना दी है, लेकिन उनको उनका रखरखाव की जो एक जो होना चाहिए बजट वो जो है सरकार द्वारा पास ही नहीं किया गया, जिसका जो है इसका कोई ये जो है वेस्ट एक तरह से माना जा सकता है गौशाला बनाना, क्योंकि जो जहाँ पे वो रखे गए हैं वहाँ पे उनको जानवरों को खाने के लिए ही और उनकी जो देख रेख में ही जो है बहुत ज्यादा लापरवाही जो बरती जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज हमीरपुर के BSNL कार्यालय में आज विशेष बैठक का जो है आयोजन किया गया था, जिसमें BSNL हिमाचल के चीफ जनरल मैनेजर जसविंदर सिंह वहां पे विशेष रूप से जो वहां पे उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि अनछुए 548 गांव को जो है भारत सरकार की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट कैपिटल प्रोजेक्ट के तहत इस साल के अंत तक फाइबर के साथ जोड़ा जाएगा। और कोविड बंदिशों की समाप्ति के बाद जो है आज BSNL हमीरपुर में जो है SSA के तहत किए जा रहे कार्यों में जो है वो जायजा लेने जो है BSNL ऑफिस वो पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि प्रोजेक्ट के तहत जो है हिमाचल प्रदेश में 300 करोड़ के जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है भेजी गई है, जिसके तहत जो है ट्राइबल क्षेत्रों के अलावा अन्य जिलों के जो अनछुए गांव जो है उनको भी जो है अब फाइबर कनेक्टिविटी के साथ जो है जोड़ा जाएगा, जिससे जो प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के साथ जो है जनता को भी जो है काफी इसका जो है लाभ पहुंचेगा। तो अगली जो खबर है वो है कैरियर पॉइंट विश्वविद्यालय हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के दो विद्यार्थियों ने
जो है 10 मीटर पिस्तौल राइफल शूटिंग में जो है सिल्वर मेडल जीता। ये प्रतियोगिता इंदिरा गांधी स्टेट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जिला शिमला हिमाचल प्रदेश में आयोजित जो था किया गया था। प्रशिक्षक सुविधा मेजर कुंदन लाल ने जो जानकारी देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय से इस प्रतियोगिता में 12 छात्र छात्राओं ने जो भाग लिया था, जिसमें मिस प्रीति राणा व मिस्टर आशीष ठाकुर ने जो सिल्वर मेडल जो है प्राप्त किया। अब ये जो विद्यार्थी हैं वो 27वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप जो कि 13 मई से 16 मई 2022 को जो है इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर हिमाचल प्रदेश शिमला में आयोजित हो रही है उसमें वो भाग लेंगे। और जो है उनकी जो बीवी की पढ़ाई के साथ साथ जो है छात्रों के को जो है खेल व अन्य प्रतियोगी जो गतिविधियों में जो है भाग लेने के लिए उन्होंने काफी उन्हें प्रोत्साहित किया था इस बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए हिमाचल दस्तक और शेयर लाइक जरूर कीजिए और कल मिलेंगे इसी समय इवनिंग बुलेटिन पे। धन्यवाद।